हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग भोपाल के बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट लाउंज में आए हुए हैं। इसका नाम है हाइड आउट। अभी हम लोग हाइड आउट 10 नंबर पर हैं और चलिए देखते हैं क्या खास मिलता है हमें। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. अभी हमारे साथ बैठे हैं इस रेस्टोरेंट के ओनर अनुराग जी। चलिए जानते हैं इनसे कि हाइड आउट कैसे नाम पड़ा और कब से है यहाँ पर ये। हाय देवेश, बेसिकली हाइड आउट की दो प्रॉपर्टीज हैं, हाइड आउट एयरपोर्ट और हाइड आउट 10 नंबर। हाइड आउट एयरपोर्ट जो है वो थोड़ा इंटीरियर में है, इसीलिए उसका कॉन्सेप्ट को कंसिडर करते हुए हम लोग उसको थोड़ा हाइड करा और हाइड आउट उसका नाम लोगों ने रखा। और हाइड आउट की यूएसपी इसकी अरेबिक थीम है, जो ये एक मेडिटेरियन मोरक्कन थीम पे हमने इस प्रॉपर्टी को बनाया है, तो ये पूरा एक अरबिक कल्चर को ही हमने यहाँ पर दिखाया है हाइड आउट पे। और कब से यहाँ पे आप है, मतलब कब से हाइड आउट यहाँ 10 नंबर हाइड आउट कब से यहाँ पे चल रहा है? हाइड आउट 10 नंबर हम लोगों ने लास्ट ईयर 12 अक्टूबर को ओपनिंग की थी, अभी लास्ट वीक लास्ट मंथ में हम लोग का एक ईयर कम्प्लीट हुआ हाइड आउट 10 नंबर को। ओके, तो चलिए जानते हैं कि यहाँ पे सबसे जो अच्छा, मतलब ये के लिए सबसे ज्यादा जो लोग प्रेफर करते हैं यहाँ पे आने आके खाने के लिए, वो क्या मिलेगा हमें? हम लोग के पास दो मील्स हैं, वेज और नॉन वेज बोथ। नॉन वेज में हम लोग बेसिकली चिकन मलाई टिक्का हमारे कस्टमर ज्यादा प्रेफर करते हैं, चिकन बिरयानी जो हम लोग की यूएसपी है, सबसे ज्यादा उठने वाला प्रोडक्ट है हमारा। और वेजिटेरियन में हम लोग मखमली सीख कबाब और दही के कबाब, ये सबसे ज्यादा रनिंग आइटम रहता है। तो चलिए टेस्ट करते हैं कि कैसा बनता है यहाँ पर।
अभी हमारे सामने रखा हुआ है चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी हर जगह का आपको हमेशा डिफरेंट टेस्ट मिलेगा, क्योंकि चिकन बिरयानी एक तरीके से नहीं बहुत तरीके से बनती है, और हमेशा इसको आपको डिफरेंट टेस्ट मिलेगा हर जगह पे। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे कैसे बनता है ये, क्या खास है यहाँ के बिरयानी में। हमारे बिरयानी में ये खास है कि हम इसको दम की तरह बनाते हैं। अगर हम सेपरेट बनाएंगे तो उतना टेस्ट नहीं आएगा, फ्लेवर नहीं आएगा बिरयानी। हम दम के तरीके से बनाते हैं। चिकन तंदूर का डालते हैं और इसमें इसके साथ हम रायता कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, चटनी है, बाकी इसका डेकोरेशन भी होता है खाने का, और अलग अच्छे तरीके से देते हैं। और हमारा पूरा खाना है जो भी है, मतलब भोपाल का नहीं, भोपाल का बाहर का खाना देते हैं हम, पूरा स्टाइल दिल्ली का खाना देते हैं। तो चलिए टेस्ट करते हैं कि यहाँ की बिरयानी में ऐसा क्या खास है। बिरयानी को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है ऊपर से। जैसा कि इन्होंने बताया कि दम लगा कर जो बिरयानी बनती है, दम बिरयानी से कहते हैं, वो बिरयानी ही है, क्योंकि इसमें जो दम का टेस्ट होता है वो प्रॉपर तरीके से आ रहा है। और साथ में जो स्पाइस की बात की थी कि जो स्पाइसीनेस होता है, ये एकदम इसे यूनिक कॉम्बिनेशन का स्पाइसीनेस कहेंगे वो है, ना ज़्यादा बहुत तीखा, ना किसी भी चीज़ कोई भी स्पाइसेस के एक्स्ट्रा कुछ फ्लेवर आ रहा है, बहुत ही अच्छा है। और ये ज़रूर मैं कहूँगा कि इसे यहाँ पे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि बिरयानी भोपाल में आपको बहुत तरीके की मिल जाएगी, लेकिन यहाँ की बिरयानी आपको एक बार ज़रूर टेस्ट करनी चाहिए, बहुत अच्छा है। इसे टेस्ट करने के लिए आपको हाइड आउट आना पड़ेगा। अभी हमारे सामने रखा हुआ है मलाई सीख कबाब। चलिए जानते हैं कि कैसे बनता है ये। हाँ जी, ये मलाई सीख कबाब है। इसके सबसे पहले हम पहले फ्रेश पनीर लेंगे। अगर फ्रेश पनीर लाएंगे, धोएंगे उसको मैश करेंगे। मैश करने के बाद हम इसमें मसाले डालते हैं। जब अच्छे से मैश हो जाता है, उसके बाद हमारे पास मसाले डालते हैं। इलायची पाउडर हो गया, हल्का सा शुगर पाउडर हो गया, और तुम्हारा वो हो गया हल्का सा कॉर्नफ्लोर हो गया, हल्का सा मैदा हो गया, उसमें टच करते हैं। और इसमें हम वाइट तिल डालते हैं। मुगलाई आइटम है, बच्चे भी खा सकते हैं, अधिकतर ये बच्चों के होता है, स्पाइसी खाना नहीं है। वाइट पेपर डालता है इसमें, हल्का मिर्ची होता है, नॉन स्पाइसी रहता, अच्छा खाना है। तो चलिए टेस्ट करते हैं कि कैसा बना है। जैसा कि इन्होंने बताया कि एक बहुत स्पाइसी नहीं कह सकते हैं, बहुत स्वीटनेस। हाँ, स्वीटनेस है इसमें, जैसे आपको नाम से ही पता चल जाएगा मलाई है इसमें, तो मुगलाई आइटम भी है और मलाई है, तो इसका कोई बहुत स्पाइसी फ्लेवर नहीं है, बहुत स्वीट फ्लेवर है, बट जो कॉम्बिनेशन वो बहुत अच्छा है। इसके साथ इन्होंने ग्रीन चटनी और अनियन का सैलड सर्व किया है। और चलिए टेस्ट करते हैं ग्रीन चटनी, सर कैसा लग रहा है। बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका, इसे ज़रूर ट्राई करें। अभी हमारे सामने रखा हुआ है चिकन मलाई टिक्का। चलिए जानते हैं कि कैसे बनता है ये। चिकन मलाई टिक्का हमारे पास बोनलेस आता है, हम बोनलेस करके इसको मैरिनेट करते हैं जिंजर गार्लिक के पेस्ट में। उसके बाद हम इसको मलाई काजू का क्रीम हो गया, अमूल चीज़ हो गया, उसका मसाला बना के इसको उसमें डिप करेंगे। उसके बाद हम रोस्टेड करेंगे तंदूर में, सरे में लगा के। तो इसका स्वीटनेस होगा, मसाले भी कम रहेंगे, सेम वही है जो हमारा मखमली सीख कबाब का टेस्ट है। तो चलिए टेस्ट करते हैं कि कैसा बना है। बहुत ही अच्छी तरीके से ये रोस्ट हुआ है। चिकन मलाई टिक्का
मैं कहा तो बहुत जगह मैंने भी ट्राई किया चिकन मलाई टिक्का, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट में खाया, हर जगह थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट होता है। पर इसे ग्रीन चटनी और प्याज के एक सैलेड के साथ सर्व किया गया है, और यहाँ पे जो सैलेड सर्व किया गया है इसमें बहुत खास बात है, इसे अमूल के क्रीम चीज़ काजू का पेस्ट उससे मैरिनेट करके ये सैलेड बनाया गया है, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट कर रहा है इसके साथ, इसे ज़रूर ट्राई करें। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको खाने के साथ कॉम्प्लीमेंट्री में पानी पूरी के शॉट्स मिलते हैं, तो ये आपको यहीं मिलेगा, मैंने पहली बार कहीं किसी रेस्टोरेंट में देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री में आपको कुछ मिल रहा है, तो यहाँ पर इसे ज़रूर ट्राई करें एक बार। और टेस्ट करते हैं पानी पूरी, पानी पूरी तो आपको कहीं भी फ्री का मिले तो अच्छा लगता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में आपने इसे नहीं ट्राई किया, आपसे अगर रिजेक्ट कर दिया कॉम्प्लीमेंट्री सोचिए, तो आप एक बहुत अच्छा चीज़ मिस करेंगे, बहुत ही अच्छी टेस्ट है इसका, पानी बहुत ही स्पाइसी है और एक बहुत ही अच्छे एपेटाइजर की तरह मिल जाएगा आपको ये, इसे ज़रूर ट्राई करें। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको ये रेस्टोरेंट? जितनी भी डिशेज मैंने ट्राई की वो बहुत अच्छे थे, और ये सारी चीज़ें आपको खाने के लिए हाइडआउट आना पड़ेगा। हाइडआउट की दो प्रॉपर्टीज़ है, ये हाइडआउट 10 नंबर है, यहाँ पर आपको वेज और नॉन वेज दोनों सर्व किया जाता है। एक और जो हाइडआउट एयरपोर्ट पे है, वहाँ पे आपको प्रॉपरली वहाँ पे सिर्फ वेज सर्व किया जाता है, नॉन वेज वहाँ सर्व नहीं किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ले चलेंगे हम लोग हाइडआउट एयरपोर्ट रोड पर, और वहाँ भी टेस्ट करेंगे वहाँ का जायका कैसा है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप यहाँ पे आ चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको सबसे अच्छा यहाँ पे क्या लगता है, और अगर आप अभी तक आप यहाँ पे नहीं आए तो यहाँ ज़रूर आए, और जो जो मैंने ट्राई किया था वो ट्राई करें और बताएं मुझे कि कैसा लगा आपको। तब तक के लिए मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करें हुआ 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 कि नहीं हुआ, क्यों हाथ लगे रोक दी।